जय श्री कृष्णा दोस्तों, कार्तिक मास में जो 365 बाती का दिया बनाया जाता है वह मैं बताने जा रही हूँ कि उसको हमको कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें 365 बाती का दिया बनाने के लिए एक कलावा चाहिए। आपको सबसे पहले आपको अपने कलावा में यह देख लेना है कि इसमें कितने तार हैं। जैसे कि देखिए आप मेरे कलावे में 5 तार हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें 5 तार हैं मेरे कलावे में। किसी के में 3 भी हो सकते हैं, किसी के में 2 हो सकते हैं, किसी के में 7 भी हो सकते हैं। अब हम अपने हाथ में कितने बार इस कलावा को लपेटेंगे, क्योंकि मेरे में 5 हैं और हमें 365 बत्ती चाहिए, तो इसके लिए मैं 5 को 365 से डिवाइड कर दूंगी और जो भी उसका आंसर आएगा उतने बार मैं इस कलावा को अपने हाथ में लपेटूंगी। आप देखिए जैसे कि किसी के कलावा में 1 तार है तो उसको 365 बार अपने हाथ में उस कलावा को लपेटना है। अगर 2 हैं तो हमें 182 बार लपेटना है और 1 तार हमें उसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेना है। और इसके बाद अगर 3 हैं तो 121 बार उसमें हमें 2 तार एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। आप लोगों ने देखा कि मेरे कलावा में 5 तार हैं। अगर मेरे में 5 तार हैं तो मैं उसको 73 बार मतलब 73 बार मैं उसको अपने हाथ में लपेटूंगी। और 73 हम किस तरीके से गिनेंगे यह भी हमें देखना है। अगर हम पूरा एक राउंड सर्कल लेंगे तो उसको 2 गिना जाएगा, तो मैं अपने हाथ में पूरे 73 बार इसको लपेट लेती हूँ क्योंकि मुझे 2 बत्तियाँ बनानी हैं 365 365। तो मैं फिर जब 73 बार इसको पूरा लपेट लूँगी तो फिर मैं इसको 20 से काट लूँगी तो मेरी 2 बत्तियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। एक राउंड जब हम पूरा ले लेंगे तो वो 2 गिना जाएगा। अगर मैं 73 बार इसको लपेट रही हूँ तो मेरे 73 के डबल हो जाएंगे और फिर जब मैं इसको 20 से काट दूंगी तो मेरी 2 बत्तियाँ बन जाएंगी 365 365 की। क्योंकि दोस्तों कार्तिक मास में हमें 5 जगह पर 365 बत्ती के दिए जलाने होते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, तुलसी माता को मंदिर में, बेलपत्र के पौधे को नदी के घाट पर, और इसी तरीके से आप 365 बत्ती का अलग अलग जगह पर कार्तिक मास में दान कर सकते हैं। मैंने पूरा 73 बार इसको लपेट लिया है, अब इसको मैं 20 से काट लूँगी तो ये हो गए हैं आधे आधे, मतलब आधा आधा सर्कल जो मैंने पूरा सर्कल लिया हुआ था एक बार में वो मैंने आधे आधे में बांट दिया है। तो मेरा एक तरफ 73 हो गया और दूसरी तरफ भी 73 हो गया। अब मैं इसको अच्छे से बांध लूँगी। हमें बांधना इसलिए है क्योंकि ये इधर उधर बिखरने ना पाए, क्योंकि धागे बहुत पतले होते हैं, अगर इसमें से एक धागा भी अलग हो गया तो मेरी 365 बत्ती का दिया खंडित हो जाएगा, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको बांध देना है। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप कार्तिक मास में 365 बत्ती का दीपक अवश्य दान करें। और अब इस 365 बत्ती के दीपक को हमें जलाना किस प्रकार है ये भी हम देखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक नारियल का गोला, उसको मैंने आधा काट दिया है। जिस तरफ से नारियल का गोला अच्छी तरह से टिक पा रहा था मैंने उस तरफ का हिस्सा ले लिया और उसमें बत्ती को रख दिया है। और आप चाहें तो इस तरीके से मिट्टी के दीपक में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन ये इसमें बहुत अच्छे से तो नहीं जल पाता है क्योंकि तेल उसमें ज़्यादा बनता नहीं है। या तो आप आटे का बना लीजिए बड़ा सा दीपक, आटे के दीपक में भी आप दीपदान कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से नारियल के गोले में इसको रख दिया है। हमें 365 बत्ती का दीपक सरसों के तेल में ही जलाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें सरसों का तेल भर दिया है और इसकी हल्दी और रोली से मैं इसको पूजा कर दूँगी। और इसके बाद जब मुझे मंदिर में या मुझे आंवला के पेड़ के नीचे या मुझे पीपल के पेड़ के नीचे जब इसको मैं जलाने जाऊंगी, मैंने इसको तैयार करके रख लिया है। और इसके बाद हमें इसकी हल्दी रोली से इस तरीके से पूजा कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों अब हमारा 365 बत्ती का दीपक बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको अलग अलग जगह पर जलाएंगे। आप चाहें तो 365 बत्ती के 5 दिए बना सकते हैं, आप चाहें तो 365 के 7 दिए बना सकते हैं, और इन सभी को अलग अलग जगह पर आपको जलाना है। क्योंकि 365 बत्ती का दीपक जो होता है वो अगर आप पूरी साल दीपक ना जला पाएँ तो उसके लिए होता है, तो हमें कार्तिक मास में 365 बत्ती का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और आप चाहें तो इस पेपर का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास। आई होप दोस्तों आपको आज का यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा है, यह वीडियो अगर आपके किसी भी काम आ रहा है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।